एक से ज्यादा बार विधायक बनने पर अब एक नहीं दो दो फ्लैट मिल सकेंगे। अभी तक विधायकों को एक ही फ्लैट की सुविधा मिलती थी। ताजा आदेशों में बताया गया है कि एक से ज्यादा बार चुनाव जीत चुके विधायक यहां एमएलए हॉस्टल या फिर गेस्ट हाउस में दो फ्लैट लेने के हकदार होंगे। हालांकि ये आवासों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, लेकिन उनको दो फ्लैट मिल सकते हैं। पूर्व में इसे लेकर कुछ विवाद उपजा था और उस विवाद के चलते विधानसभा को एक सिरे से नियमों में संशोधन करना पड़ा है। नियमों में संशोधन करने के बाद अब ये नियंत्रण महालेखाकार की ओर से होने वाले ऑडिट में रिकवरी का झमेला भी खत्म हो गया है। विधानसभा सचिवालय ने नियम बदलकर दो फ्लैट रखने का रास्ता निकाल दिया है। ऐसे में किसी विधायक की रिकवरी भी नहीं निकलेगी। पूर्व में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास विधानसभा का फ्लैट था, वहीं उनके पास शिमला में मंत्री की कोठी भी है। इस पर उन्हें फ्लैट का शुल्क चुकाना पड़ा। सरकार के दूसरे मंत्रियों की तरह उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ठहरने के लिए कोठी आवंटित है। विक्रमादित्य सिंह ने फ्लैट का शुल्क चुकाया और उधर विधानसभा सचिवालय ने नियम संशोधित किए। नए नियमों के तहत अब सरकार का वरिष्ठ मंत्री एक फ्लैट भी रख सकेगा। नए नियमों के तहत दूसरी बार चुनकर आने वाले विधायक की उपलब्धता के आधार पर दूसरे फ्लैट की सुविधा भी मिलेगी। विधानसभा सचिवालय के पास 107 फ्लैट है और लिफ्ट के समीप पुराने मेट्रोपोल एनएक्सी और विधानसभा के समीप 3 ब्लॉक है जिसमें विधायकों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार के सभी मंत्रियों के पास कोठी के अतिरिक्त विधानसभा का एक फ्लैट भी मौजूद है। यहां पर आमतौर पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रहने की सुविधा प्राप्त होती है। लिफ्ट के समीप पुराने मेट्रोपोल में विधायकों के लिए 34 फ्लैट है, जिसके अतिरिक्त मेट्रोपोल एलेक्सी में 22 फ्लैट है। 1993 के बाद विधानसभा परिसर के साथ लगते क्षेत्र में 3 ब्लॉक विधायकों के लिए निर्मित हुए थे, जिनमें 51 फ्लैट है।